गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना? आशा करते हैं कि आप लोग मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो चलिए बउआ हो, मैं आपका बड़े भाई अभिषेक सर आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। बउआ हो, हम लोग देख रहे हैं ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन, जिसमें हम लोग सीख रहे हैं बउआ हो शैल बी एंड विल बी का प्रयोग। शैल बी एंड विल बी का प्रयोग बउआ हो सीख रहे हैं हम लोग। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बउआ हो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। तो चलिए बउआ हो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज बनाने का नियम हम लोग जानेंगे। पहले कहता है जब प्रश्नवाचक वाक्यों के शुरू में क्या लगा रहे तब शैल बी या विल बी का प्रयोग शुरू में करेंगे। उन्हें कह रहा है कि जब प्रश्नवाचक वाक्यों के शुरू में क्या लगा रहे तब शैल बी या विल बी का प्रयोग शुरू में करेंगे। यहाँ देख रहे हैं हम लोग शैल बी या विल बी का प्रयोग। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि जब शुरू में क्या लगा हुआ रहेगा, कहिए क्या लगा हुआ रहेगा, तो शैल या विल का प्रयोग हम लोग शुरू में करेंगे। तो देखिए बउआ इसका स्ट्रक्चर क्या कहता है। इसका स्ट्रक्चर है हमारा, है ना, कि शैल या बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव। पहले लिखेंगे शैल को लिखेंगे या फिर बिल को लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद बी लगाएंगे, उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव जो आ जाए उसको लिखेंगे। तो देखिए वो एग्जांपल के माध्यम से हम लोग सीखते हैं। पहले कहता है क्या मैं खुश रहूँगा। तो देखिए बउआ यहाँ पे क्या लग गया शुरू में, क्या लग गया। तो हमको तो कहता है नियम कि जब क्या लग जाए, है ना, शुरू में क्या लग जाए, तो शैल या बिल के द्वारा हम लोग बनाते हैं। तो बउआ हो यहाँ पे आप बताइए कि शैल लगेगा कि बिल लगेगा। तो यहाँ हम लोग सब्जेक्ट ढूंढेंगे। तो सब्जेक्ट इसमें क्या क्या है, मैं है, है ना, मैं। तो मैं के हिसाब से बउआ हो क्या लगता है, तो शैल। तो सबसे पहले लिखेंगे शैल, उसके बाद मैं का लिखेंगे आई, उसके बाद लगाएंगे बी, उसके बाद खुश के क्या हो जाएगा, हैप्पी। तो इसका बन जाएगा शैल आई बी हैप्पी। अगला है क्या गीता नर्स बनेगी। तो देखिए गीता है, तो गीता के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, बिल। तो लिखेंगे बिल गीता, उसके बाद लगाएंगे बी, उसके बाद गीता कैगो नर्स बनेगी बउआ हो, तो एगो, तो ए नर्स। क्लियर है? तो चलिए बउआ हो आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 20 ऑक्सफोर्ड जूनियर का है, है ना। चलिए तो एक्सरसाइज 20 देखते हैं बउआ हो। एक्सरसाइज 20 में पहला है कि क्या राम भूखा रहेगा। तो देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम है, तो राम के लिए हो जाएगा बिल, उसके बाद लिखेंगे राम, उसके बाद बी लगाएंगे। अब भूखा का क्या हो गया, हंगरी, तो बिल राम बी हंगरी। क्या राधा बीमार रहेगी, तो राधा के लिए हो गया बिल, उसके बाद राधा, उसके बाद बी, उसके बाद बीमार के क्या हो गया, इल, तो बिल राधा बी इल। क्या तुम उदास रहोगे, तो देखिए तो तुम है, तो तुम के लिए क्या लगाएंगे, बिल, उसके बाद यू, उसके बाद बी, उसके बाद सैड, तो बिल यू बी सैड। क्या वह डॉक्टर बनेगा, तो क्या, तो वह हो जाएगा बिल, उसके बाद ही, उसके बाद बी, उसके बाद ए डॉक्टर, तो बिल ही बी ए डॉक्टर। चलिए बउआ हो अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला कहता है कि क्या वे एक नेता बनेंगे, तो वे है, तो वे के लिए क्या हो गया, दे के साथ हम लोग बिल का प्रयोग करते हैं, तो बिल दे बी नेता, है ना। क्या वे एक नेता बनेंगे, तो देखिए यहाँ पर गलत बन गया बउआ हो, है ना, यहाँ पे क्या बन गया, ये गलत बन गया। यहाँ हो जाएगा बिल, अब बिल के बाद क्या लिखेंगे, ही बिल, बिल ही, है ना, बी ए लीडर, क्या हो जाएगा, बिल ही बी ए लीडर।
क्लियर है, और क्वेश्चन मार्क लगाइएगा बाबू। अगला देखिए कहता है, अगला कहता है क्या बच्चे तैयार रहेंगे, क्या बच्चे तैयार रहेंगे। तो देखिएगा बाबू क्या बच्चे तैयार रहेंगे, तो बच्चे है तो बच्चे के लिए क्या लगाएंगे, बिल। तो बिल द चिल्ड्रेन बी रेडी, तैयार के क्या होता है रेडी, तो बिल द चिल्ड्रेन बी रेडी। कहता है क्या मैं संतुष्ट रहूँगा, तो देखिए मैं है तो मैं के लिए हो जाएगा सैल आई बी सेटिस्फाइड, तो सैल आई बी सेटिस्फाइड। चलिए बगवा आगे हम लोग चलते हैं। आगे कहता है कि क्या आप ईमानदार रहेंगे, तो हो गया आप है तो बिल हो जाएगा, तो बिल यू बी ईमानदार के क्या हो गया ऑनेस्ट, तो बिल यू बी ऑनेस्ट। क्या आप उपस्थित रहेंगे, तो देखिए यहाँ पे आप है तो आपके लिए क्या हो जाएगा बिल, तो बिल यू बी उपस्थित के प्रेजेंट, तो बिल यू बी प्रेजेंट। क्या मैं उपस्थित नहीं रहूँगा, तो यहाँ हो गया देखिए इसमें क्या नहीं लगा है, तो सैल या बिल शुरू में नहीं लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे क्या मैं उपस्थित नहीं रहूँगा, तो सैल आई सैल उसके बाद लिखेंगे नॉट उसके बाद बी उसके बाद प्रेजेंट, तो आई शैल नॉट बी प्रेजेंट, मैं अनुपस्थित रहूँगा, तो हो जाएगा मैं के हो जाएगा आई, आई के साथ लगाते हैं शैल बी उसके बाद अब्सेंट, तो आई शैल बी अब्सेंट अनुपस्थित है तो अब्सेंट। क्या तुम एक नेता बनोगे, तो हो जाएगा विल यू बी ए लीडर, तो विल यू बी ए लीडर। आगे बगो हो अगला कहता है कि क्या मैं नेता बनूंगा, क्या मैं नेता बनूंगा, तो देखिए क्या मैं नहीं, कहता मैं नेता नहीं बनूंगा, मैं नेता नहीं बनूंगा, इसका हो जाएगा आई शैल नॉट बी ए लीडर। मैं शिक्षक बनूंगा, तो हो गया आई शैल बी ए टीचर। क्या आप लोग तैयार रहेंगे, तो हो गया विल यू बी रेडी, कहता हाँ हम लोग तैयार रहेंगे, तो लिखेंगे यस बी शैल बी रेडी। आया समझ में हो, तो थोड़ा कहीं कहीं गलती लिखा गया था है ना, तो चलिए बगुआ हो आज के लिए वीडियो में बस यही है ना। अब बगुआ हो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ बगुआ हो वीडियो को लाइक कर दीजिए और है ना वीडियो को शेयर कर दीजिए बगुआ हो, और जो बगुआ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बगुआ हो, इसी तरह के वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे बगुआ हो है ना। तो बगुआ आज के लिए ही इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग ब्रेक के बाद।